दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे सातवें वेतन आयोग संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ बताना शुरू करें। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ें मिलती रहेंगी। तो न्यूज़ ये है कि 30% तक बड़ा वेतन एरियर की घोषणा भी जल्द होगी। पहले वेतन की बढ़ोतरी कम थी लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है। सातवां वेतनमान के बाद विरोध को देखते हुए जारी किया स्पष्टीकरण। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए वेतन में कुछ बढ़ोतरी का स्पष्टीकरण जारी किया है। सातवें वेतनमान में वेतन विसंगतियां व एरियर को लेकर कर्मचारी संगठन के विरोध को देखते हुए सरकार ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के हवाले से जारी स्पष्टीकरण में बताया गया है कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से लागू किया गया सातवां वेतनमान में कर्मचारियों व पेंशन के वेतन एवं भत्तों में 20 से 30% तक वृद्धि हुई है। एरियर की घोषणा ही जल्द करने की बात कही गई है। HRA प्रदेश के बड़े शहरों में 16 तथा छोटे शहरों कस्बों में 8% किया गया है। सातवां वेतनमान की घोषणा के बाद सीनियर जूनियर कैडर्स में असमान वेतन वृद्धि व एरियर की मांग को लेकर कर्मचारी अपना विरोध जता रहे थे। वेतनमान की घोषणा के साथ सरकार ने कोई प्रेस रिलीज भी नहीं दी जिससे कर्मचारियों को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वेतनमान में उन्हें क्या फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सतर पर वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि वे इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करें। कटौती नहीं, विसंगतियां दूर की गई हैं। देखिए, कटौती वाला मामला है वो शायद उसी तरह चल रहा है। नए वेतनमान में 2800 ग्रेड पे तक वाले कर्मचारियों के वेतन कटौती में मामले में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2013 में ग्रेड पे 2800 से कम के पदों के लिए कुछ कर्मचारियों के हित में ग्रेड पे बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इसमें ग्रेड पे के साथ साथ उनके रनिंग पे बैंड के मूल वेतन में भी गलत वृद्धि हो गई जिससे उस समय के नए नियुक्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग के नियमित होने पर निर्धारित होने वाली प्रारंभिक वेतन पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारियों के मूल वेतन से भी अधिक हो गया। नए वेतनमान में इस विसंगति को ठीक किया गया है। ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2017 के बाद रिटायर होने वालों की कम्युनिकेशन ग्रेजुएटर द्वारा पेंशन की राशि बड़े वेतन के आधार पर मिलेगी। नए वेतनमान की पे मैट्रिक्स में 1 जनवरी 2016 से पे लेवल निर्धारित किया गया है। ग्रेड पे वार प्रारंभिक वेतन एंट्री पे के 2.57 से 2.72 से गुणक के आधार पर किया गया है। 2.57 से 2.72 का गुणक के आधार पर ये किया गया है।